वादी बुनेर दुन और शदीद सर्दी की लपेट में है। बाहर से आए हुए लोगों के लिए तो ये मंजर काबिल-ए-दीद है, लेकिन अहले इलाका शदीद सर्दी के बाइस घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इसकी वजह से सर्दी बहुत ज्यादा होती है और इस सर्दी की वजह से लोगों को बाहर घरों से बाहर निकलने में सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ता है और बाजारों में रश ना होने की बराबर होती है। हम पंजाब से आए सैर करने के लिए, तो माहौल तो बहुत अच्छा है, मेरे पारी देखना है खासतौर। दुन और सर्दी ने जो स्कूल जाने वाले बच्चों की मुश्किल में इजाफा कर दिया है, वही मजदूर पेश अफराद की जिंदगी भी अजीरन हो गई है। कल से जब दिन चला है तो कल हमारे 10th के 57 बच्चों में से सिर्फ 24 बच्चे जो थे वो गैर हाजिर थे। इसी तरह हमारे 9th के 57 बच्चों में से जो वो 20 बच्चे वो गैर हाजिर थे। मौसम सरमा शुरू होती ही बुनेर में शदीद दुन का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, जिससे न सिर्फ ट्रिपिक की रवानी बल्कि मामूलाती जिंदगी मुतासिर होती है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मिनहाजुद्दीन, डॉन न्यूज, बुनेर। बुनेर की मौसम की सूरतेहाल से आपको आगाह किया, रुख कर लेते हैं कोयटा का। 3 साल बाद कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बर्फबारी।